इस दृष्टि से एक बृहद अभियान का हिस्सा बनाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आप सबके बीच में इस हैदराबाद में आई है। ये चुनाव आप सब तय कर सकते हैं कि हैदराबाद में परंपरागत लूट मसोट को फिर से निजामशाही का पर्याय बनाने वाली यहाँ पर एक परिवार और उनकी मित्रमंडली को लूट खसोट की आप छूट देने के लिए यहाँ पर एक फिर से उन्हें फ्रीडम देना चाहते हैं, या फिर मित्रों हम सबको तय करना होगा कि हैदराबाद को भाग्य नगर बना करके फिर से विकास की नई गुणवत्ता पर चलाना है, ये हम सबको तय करना है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं जानता हूं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ की सरकार का रवैया कितना खराब है, कैसे वह यहाँ पर एक तरफ जनता के हकों को लूट खसोट करने का कार्य कर रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीड़न करने का कार्य भी एमआईएम के बहकावे में आकर करने का कार्य कर रही है। लेकिन हम सबको इसके खिलाफ एक नई लड़ाई लड़नी है और इस नई लड़ाई के लिए आज आप सबके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए मैं स्वयं भी मर्यादा पुरुषोत्तम से मांग की धरती से आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है, मैंने कहा क्यों नहीं, उन्होंने कहा कैसे, हमने कहा देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, वहां पे गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है, हमने इसका नाम प्रयागराज किया, उसका वही पौराणिक नाम था, तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता अगर यहाँ पर यहाँ की जनता भाग्यनगर। मित्रों कोई जाति मत और मजहबी व्यवस्था नहीं, ये सांप्रदायिक नाम भी नहीं, भाग्यनगर का मतलब समृद्धि का प्रतीक, यहाँ के विकास का प्रतीक और भाग्यनगर बनाने की, इसको समृद्धिशाली बनाने की, यहाँ के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं देने की, यहाँ के नागरिकों को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है भाग्यनगर बनाने की प्रक्रिया का एक कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैंने आज यहाँ पर देखा यहाँ की सरकार यहाँ पर एक नदी के अतिक्रमण को हटाने के कारण यहाँ पर लोगों को बाढ़ की त्रासदी का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। भारत नदी संस्कृतियों का देश माना जाता है और भाइयों बहनों नदी संस्कृति का देश होने के नाते आज नदियां दम तोड़ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से उत्तर भारत में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक अविरल गंगा निर्मल गंगा के कार्य को सार्थक किया है, और मैं इस बात को कह सकता हूं गंगा देश की बड़ी पवित्र नदी है, देवतुल्य नदी है। आज आप जाएंगे न केवल गंगा नदी में स्नान बल्कि गंगा का जल आचमन करने लायक फिर से नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से हो गया है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आज वहां पर नमामि गंगे परियोजना का कार्य पूरी मजबूती के साथ कार्य वहां पर हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं एक नदी यहां पर भी है, लेकिन भाइयों बहनों टीआरएस की सरकार उस नदी को और भी प्रदूषित करती है, उस नदी की अविरलता और निर्मलता इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि एमआईएम से जुड़े हुए लोगों ने वहां पर अवैध कब्जे करके यहाँ के नागरिकों को बाढ़ से
पूरी तरह डुबोने की साजिश का हिस्सा बना करके कब्जा किया है और टीआरएस और एमआईएम की मित्रता यहाँ पर इस पवित्र नदी की अविरलता और निर्मलता में बाधक है। और इस दृश्य में कह सकता हूँ ये जो नापाक गठबंधन यहाँ पर बना है, ये नापाक गठबंधन यहाँ के विकास को वृद्ध कर रहा है, जनता की बुनियादी सुविधाओं को लूट खसोट का जरिया बना रहा है। यहाँ पर हैदराबाद के बारे में जब चर्चाएं सामने आती हैं, यहाँ का प्रत्येक नागरिक परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसी भी कार्य के लिए जिस तरीके से उन्हें पैसे की डिमांड होती है, विकास के कार्यों में लूट खसोट प्रारंभ होती है, इस स्वाभाविक रूप से इस बात को प्रदर्शित करता है कि यहाँ के सरकार और यहाँ का कॉरपोरेशन में जो लोग अब तक रहे हैं, इन लोगों का विकास और जनता की बुनियादी सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं। और इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुई है। कल भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा जी ने, जगत प्रकाश नड्डा जी ने आपके बीच आकर के यहाँ की जनता का आह्वान किया और कल देश के यशस्वी गृह मंत्री जी स्वयं यहाँ पर पधार करके एक बार फिर से आप सबका आह्वान करना चाहते हैं। और भाइयों बहनों, मैं भी अयोध्या का संदेश और उत्तर प्रदेश का संदेश लेकर के आज आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, हमें एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए, एक पारदर्शी और सुशासनपूर्ण विकास के लिए, एक अच्छा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के गठन के लिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हमें आगे आना होगा। और भाइयों बहनों, इस अभियान में आप सबका मैं आह्वान करूंगा, संकल्प भारतीय जनता पार्टी का और उत्साह यहाँ के युवक में दिखाई दे रहा है, यहाँ के नौजवानों में दिखाई दे रहा है, यहाँ की बहनों में दिखाई दे रहा है, यहाँ के समाज के प्रत्येक तबके में दिखाई दे रहा है। ये उत्साह इस बात को प्रदर्शित करता है कि आप बात बिना तक निजाम साई के पिछलों को बने हुए लोग अब हैदराबाद में आगे चल नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर भाग्यनगर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ के सौभाग्य के निर्माण के लिए आज आपके बीच में आई है। आप सबसे मेरी अपील है, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का चिन्ह क्या है? कमल का फूल, लोटस। भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, मैं सचमुच आपने जो उत्साह दिखाया है इस उत्साह के लिए आप सबका आभारी हूं और मैं आप सबका आह्वान करूंगा। कोविड-19 के खतरों को देखते हुए अयोध्या में जब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न किया था, तब मेरी हार्दिक इच्छा थी, मैं पिछली बार माननीय मुरलीधर राव